कितना अच्छा गाए बच्चों आप, क्या बात है। पाया है ये मुकाम तुझे देखने का। हाँ क्या बात है बेटा, वेरी वेल डन। लगता तुम ही सिंगर नवे लए। क्या खूबसूरत आवाज भी, आप भी खूबसूरत, अल्लाह ने दे नसीब भी खूबसूरत कर। क्या बात, क्या बात। बस बेटा एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इक्को रंग दे सूट ना मिलते फिर फंक्शन ते नहीं जाते? अगर ना मिलन पुत्र, इधर हर रंग का कुर्ता पे है, तुसी लै सकते हो। ना जोगी आया इन्हां दे घर मंगन, अच्छा इन्हां दे कुर्ते दे के सप भी इन्हां नूं दे गया। हुण सुल्तान साहब दे बूहे अगे सप कुर्ते बेच रहे हुंदे सी। कुर्ता पा के ना शरबत वाले नूं कहिंदा इहदे नाल दा गिलास बना। गंजवी वाला कुछ बेड़ा खाधी, कहता ठंडा पानी दी, उन्हें ठंडा पानी दिता तो चपड़ा नींबू चोड़ लिया। हमारे आज के मेहमान, जोरदार तालियां। अच्छा आप लोगों ने इन्हें फिल्म्स में देखा है, आपने इन्हें बहुत से इश्तहारात में देखा, आपने एक ड्रामा हम सबका बचपन, बहुत से लोगों की जवानी, और सबको याद है, सब सेट है। पाकिस्तान का पहला रोड शो होस्ट करने वाला लड़का, साला साल से पाकिस्तानी टेलीविजन को अपनी खिदमात से चार चांद लगा रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अ वेरी टैलेंटेड, अ वेरी विटी मानी भाई सलमान साकिब। जनाब मजाक रात की तरफ से, दुनिया न्यूज की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन खासकर कराची के उन तमाम नौजवानों की तरफ से जिनका बचपन, जिनकी जवानी आपके साथ गुजरी है, हम इस पे मजीद बहुत सी बात करेंगे। कराची शहर की तरफ से आपको एक फूल जनाब। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बड़ी अनहोनी है, बड़ा रेयर है, बड़ा एक्सेप्शनल केस है। उर्दू स्पीकिंग शहर, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, क्या बात, उस जबान के ह्यूमर को एक पंजाबी लड़का लेके चल रहा है, किसी को नहीं पता, क्या बात, किसी को इस बात का पता नहीं है, सब ये समझते हैं। पहली दफा शायद किसी ने ये बात बोली होगी, क्योंकि मेरे अब्बा का ताल्लुक इसी शहर से, लेकिन ये कि हम वहाँ बसे, मैं तो वहाँ पैदा हुआ, और फिर हमें समझ नहीं आई हम किस शहर के हैं बेसिकली, ना इधर वाले ओन करते हैं ना उधर वाले ओन करते हैं बेसिकली, लेकिन प्यार हर तरफ से मिला। तो फिर आप सक्कर शिफ्ट हो गए? नहीं नहीं सक्कर नहीं शिफ्ट हो, मैं फिर कराची उसी इलाके में शिफ्ट हो जहाँ पे आप शिफ्ट हुए। पानी नहीं आता, पानी लेकिन आपने उर्दू ह्यूमर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, करते आए हैं, कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कराची, कराची आप पर फख्र करता है, आप पर, असफर भाई पर। आप लोगों ने उस वक्त में रेडियो स्टेशन पर ऐसा शो किया, मुझे याद पड़ता है ये बात है 2004 की बात, 2004 की बात है, मैं पहली दफा कराची गया था। ओके। तो कराची में सर सिर्फ एक ही बात हो रही थी, आपके रेडियो शो की। सर क्या क्या नाम था उस शो का? असफर मानी शो, असफर और मानी शो। अच्छा शो की शुरुआत कैसे करते थे आप, जरा खड़े हो गए अगर सामने वाले कैमरे में करें तो। कराची हमारा है,
मजा आएगा तमाम टोकनों को, सानी धापाओं को मजबूत कराची के तमाम लोगों, उठ जाओ सच बोलते हैं आज। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पर चल रहा है। हमेशा किसी भी वजह से ना रुकने वाला मजाकरात, देखते रहिए। मानी भाई, आपने जो फेम अपनी जिंदगी में देखा, जब आप विजय थे या जब आप एक रोड शो होस्ट करते थे, पूरे पाकिस्तान में आपका डंका बज रहा था, उस वक्त का सबसे कोई क्रेजी फैन याद है आपको? आप देखें, अपनी भी हरकतें बता सकते हैं आप, क्योंकि आपकी तब शादी नहीं हुई हुई थी। हीरा हमारी दोस्त है, बिल्कुल माइंड नहीं करेगी, हीरा हमारी दोस्त है, उसको तो किताब लिख सकते हैं किताब। अरे उसके कुछ पहले होने से पहले, इंटरनेट से पहले जो थे ना, सबकी बचत हुई हुई है सामने बैठे तीन लोग बैठे थे। तो मुझे याद है एक शो करने के लिए मैं गया था एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर। अच्छा। और उस पर अटैक हो गया मेरे पे, अटैक इन द सेंस के वो फैंस थे सारे के सारे। अच्छा, बहुत कम होता है कि बहुत सारी लड़कियां हों और अब डर के मारे भाग रहे हो बेसिकली, तो ये मेरे साथ हो चुका है। फिर मुझे बकायदा एक कमरे में बंद कर दिया, मैंने खुद अपने आप को बंद किया वहां पे। क्यों, तुझे कोई परस चुके हैं? कमरे के अंदर बंद। अच्छा, उनसे बचाने के लिए। उनसे बचाने के लिए। अच्छा, तो वो आपका यादगार है कि ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, स्टारडम, स्टारडम। अच्छा, क्या आप उस वक्त को जब आज के वक्त के साथ कंपेयर करते हैं, दुख होता है, खुशी होती है, क्या एहसास है? वो आपके अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता। मुझे खुशी होती है उनको देख के जो अपने कंटेंट पे काम करते हैं बेसिकली। आप कर रहे हैं, आप लोग, मुझे लग रहा है बेसिकली कुछ डिफरेंट किया है। शो पहले भी चल रहा था ये वाला, यहाँ पे इसको डिफरेंट कर दिया, तो अच्छी बात है। क्या बात, सही है ना? और गम ऐसा नहीं होता यार, इतना तो काम कर लिया हमने भी यार, इतना सारा नाम बना लिया, अब तो खुशी होती है कि वो भी हिट हो रहा है, वो भी हिट हो जाए। और मेरी एक दुआ होती है हमेशा, आपने हमेशा जो कमजोर होता है उसके साथ खड़े होते। मैं हमेशा कौन दें दे लेकिन लेकिन नहीं, मैंने हमेशा अंडरडॉग का साथ दिया। अच्छा, और जब वो स्टार बन जाता है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं? खिलाफ साइड साइड बारात थी, दुल्हन पॉलर पे लेट हो गई, बारात वापस जा रही थी। मानी भाई ने कहा नहीं, बारात वापस, मुझे दुल्हन बनाओ, मैं जाऊं। क्या बात है, काम इतने अच्छे आपने क्यों है, रहम दिल आदमी है। समंदर पे एक बंदा खुदकशी करने लगा, मानी भाई ने पकड़ लिया। क्या करो, कहता खुदकशी, तूने खुदकशी करनी है ना, तूने कूदने, तेरी जगह मैं कूदूंगा, कूद गए। तो मानी भाई, जिस तरह का आपने शो किया 2002 में 3 में, उस तरह का और ऐसा प्लान है आजकल में? कर रहे हैं आजकल, तो दोनों बैठे, आजकल इनका शो चल रहा है। बहुत बहुत हमें हिम्मत की दोबारा करने की, बल्कि अब एक नया एवेन्यू जो है वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा ना उसके फ्लो में आने में टाइम लगता है आपको। सबसे बड़ा पंगा आज तक, आपको किसी ने टफ टाइम दिया कि जब आपका पंगा हो गया तो अब मुसला हो गया कि घर से बाहर नहीं निकल सकते? एक पॉलिटिकल पार्टी मारने के लिए आई थी, इत्तेफाक से वो रेडियो शो ही था हमारा। ये आप लोग बड़े इजी दौर के पैदावार हैं जो इस शहर में रहते हैं, हम लोग बड़े मुश्किल टाइम में पैदा हुए। नहीं, सरदार साहब तो बहुत इजी टाइम थे, फिरौन के दरबार च वन मैन शो करते हैं। थोड़ा फर्क पड़ा, तब मैं फ्रॉम को खुश करता था, आजकल उसके बच्चों को खुश करता हूं। अच्छा, फिर क्या हुआ उस दिन? पता नहीं क्या हुआ, असफर, मैंने कहा जल्दी निकलते हैं आज, 15 मिनट पहले निकलते हैं। हमने कहीं पे खाना वाना खाना था बाहर, 2 बजे रात को शो खत्म हो जाता। हम लोग पहले निकल गए, वो लोग शायद थोड़ा बाद में आए, तो एक अटैक हो गया। अगले दिन हम गए तो रेंजर्स की गाड़ियां, तो पुलिस और ये वो सब खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा वो लड़के आए थे, वो तकरीबन मारने के लिए आए थे आप लोगों को, क्योंकि हमने उस पॉलिटिकल पार्टी पे भी टॉन्ट करना शुरू कर दिया था। अब तो ये आसान हो गया ना सर, अब जरा वो टाइम जरा इजी हो गया, लेकिन मुश्किल टाइम भी देखा हुआ है। अच्छा मानी भाई, मैंने ना आपसे बड़ा अपनी बीवी का आशिक मैंने नहीं देखा। यार अल्लाह इनकी मोहब्बत के लिए।